ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਥੇ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਬੈਨਰ ਫੋਟੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾ ਮੇਲ ਮੇਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖ ਪਤਾ ਅਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਨਾਲੇ अल्लाह पाक के अल्लाह ताला के एहसान से हम लोग फ्लड विक्टम्स के लिए एक हज़ार लोगों को खाना तकसीम करेंगे इन शेस्म लाइन्स क्लब की जितनी भी लेडीज़ हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि उनके डोनेशन से उनके ताउन से हम लोग प्रीमियर क्लब के साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये काफिला सुबह रवाना होगा वन थाउजेंड पीपल के लिए हम खाना दे रहे हैं पानी की बॉटल जूसेस एंड ई टी सी के डिब्बे वगैरह थैंक यू सो मच बिसमीम दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना अतात के लिए कम थी करो बिया दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना अतात के लिए कम न थे करो बिया यहाँ पर आप देख लें कि हमारे बहन और भाई और हमारे अजीज अकरबा सारे इकट्ठे होके ये अल्लाह की राह में जो मुसीबत जदगान हैं जो सलाब की आफत में मुसीबत में जकड़े हुए हैं उनके लिए राशन इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं आपको पता है फ्लड की वजह से चीज़ें मिलना शहर से कितनी मुश्किल हो गई हैं हर तरफ पानी ही पानी है उसके बावजूद लायंस जासमीन लायंस क्लब की मम्बरान ने और प्रीमियम कल, ए, मुल्तान लायंस क्लब ने मिलकर ये अपने जितने भी बच्चों ने सेविंग डाली है जितने भी अपनी मेरी बहनों ने पैसे डाले हैं जितने भी बढ़ चढ़ के सब ने कंट्रीब्यूशन किया है अल्लाह सब का दिया हुआ कबूल फरमाए ये इकट्ठा कर कर लिया गया है ताकि उनको ब, बर वक्त उनको खाना मुजसर हो ड्राए राशन दिया जाए उनको मेडिकेशन दी जाए उनको साफ़ पानी की बोतलें मिलें ताकि वो बीमारी और हैज़ा वगैरह से में मुबतला ना हो जाए, उनको ब्लैंकेट वग़ैरह दिए जाएँ और उनको अकोमोडेट किया जाए साफ़ जगह फ्राहम की जाए अच्छे कपड़े दिए जाएँ कपड़ों भी निकाले गए हैं और जैसे सारी बहन भाइयों ने मिलकर बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में काम लिया है अल्लाह ताला का फ़रमान है कि अनफू फ़ीस भी अल्लाह की राह में खर्च करो और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज़्ज़त देता है कामयाबी देता है सुकून देता है प्यार मोहब्बत देता है सेहत सलामती बख्शता है और अल्लाह ताला एक के बदले दस से आपको फ़ायदा वापस करता है अल्लाह ताला आपका कोई नेक अमल रेगा नहीं जाने देता आपकी कोई नेकी बेकार नहीं जाती जो बढ़ चढ़ कर इस समय हिस्सा ले ते हैं अपना कीमती वक्त निकालते हैं और अपना सारा एफर्ट हाँ। करते हैं डेडिकेशन दे करते हैं तो अल्लाह ताला उनको जज़ाय ख़ैर अता फरमाए हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं फ़कीर आए और दुआ कर गए चले फ़कीर आए और दुआ कर चले जब किसी के पेट में खाना जाएगा वो दिल से दुआएं देगा कोई ऐसे मायूस नहीं होंगे कि हम हम बहुत मुसीबत में थे हमारे किसी बहन भाई ने हमारी म, अमदाद नहीं की जब भी लोग उनके पास हेल्प के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई ख़ास अमदाद नहीं पहुँची बहरहाल बहुत सारी अनजमनें हैं बहुत सारी तनजीमें हैं बहुत सारे चैटी ग्रुप्स हैं जो आके हमें हेल्प कर रहे हैं इसका मतलब है इंसानियत ज़िंदा है इसका मतलब है जिसको मतलब जो, जो अमानत मिलती है वो आगे डिलीवर कर देता है अल्लाह की ऱा के लिए अल्लाह ताली हर चीज़ पर क़दर है वो कतरे से दरिया बना सकता है और दरिया से कतरा भी बना सकता है अल्लाह ताला जे जो सारा रेतला इलाका था किसी वक्त यहाँ पे तूफान ने नू चला होगा यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ जो हैं ये पानी के तय में थे तो आज ये रेगिस्तान बन गए हैं फिर लगता है कि वही टाइम दोहराया जा रहा है और अल्लाह ताला हमें साइन दिखा रहा है कि हम इब पकड़ जाएं जो शहर में हम जी रहे हैं जो एसीयों में हम सो रहे हैं हैं जो अच्छी गाड़ियों में हम चल फिर रहे हैं घूम फिर रहे हैं तो वो देखें इस तरह की गाड़ियां पानी में किस तरह बह रही हैं इस तरह के गार किस तरह तींकों की तरह बह रहे हैं उनके माल मवेशी देखें कितने ए, ए, बह रहे हैं और सबसे बढ़कर उनके जो अजीज़ो करबा उनके हाथों से ए, छूट छूट के पानी में बहते जा रहे हैं वो अपनी बेकसी पे रोए वो अपनी गुर्बत पर रोए एक टाइम में वो भी देने वाले थे वो भी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे वो भी पका पका के अल्लाह की राह में खर्च करते थे तो अल्लाह ताला ने उनको आजमा में डाल लिया कई लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तान बहुत बुरा है जब पाकिस्तानी लोग बहुत बुरे हैं तो इसलिए इन पर मुसीबत आई है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी इतने बुरे भी नहीं है पाकिस्तानियों के दिल शेर जैसे हैं पाकिस्तानी लायंस हैं पाकिस्तानी लायंस क्लब हैं पाकिस्तानी अब्दुल ईदी हैं पाकिस्तानी हसन हैं पाकिस्तान पाकिस्तानी हैं पाक जगहों पे रहने वाले अभी भी इंसानियत ज़िंदा है एहसास हमदर्दी ज़िंदा है निजात सेंटर थाने वाल रोड पे जो है इनके जो अजीज़ो कुर्बा हैं उन्होंने अपना भरपूर इसमें हिस्सा डाला है और वो लाइन्स क्लब के भी जो मेम्बरान हैं उन्होंने अपने बच्चे भी शामिल किए हैं कि वो आज देखें कि उनके माँ बाप अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए खड़े हैं ताकि बच्चे भी सबक हासिल करें और वो भी खर्च करने को पसंद करें ये अल्लाह का माल है अल्लाह की राह में खर्च हो जाना चाहिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ मैं सलाम पेश करती हूँ उन बहन भाइयों का जिनके सेहत ठीक ना होते हुए भी वो अपनी सेहत की परवाह किए बग़ैर अल्लाह के लिए खड़े हैं यहाँ पे मुल्तान में जहाँ कहीं भी आप जाके देखें शॉपिंग करना पाकिस्तान में आसान नहीं है और ख़ास कर इतनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी और इतनी पानी की बोतलें जूस की बोतलें दूध के डब्बे और सूखे दूध के डब्बे ताकि उनको कम से कम गजा पहुंचाई जाए कम से कम साफ बिस्तरा साफ कपड़ा पहुंचाया जाए जितना उनका पैसा इकट्ठा हुआ उनको अच्छे से प्लान करके ये अल्लाह की राह में ये लॉरी गाड़ी चले जाएंगी और जो वहाँ पे मुस्तक होंगे जो जहाँ वहाँ पर जरूरतमंद होंगे उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे ये वीडियो बनाने का भी मतलब यह है कि एक तो हम आपको भी मोटिवेशन दें कि जो अल्लाह की राह में देता है कभी भूखा सोता नहीं है वो कभी गरीब नहीं होता कभी मोहताज नहीं होता और उसके पास रोजी की कमी नहीं आती हम इसीलिए नहीं अल्लाह की राह में देते कि हमारे पास नहीं रहेगा आप देखें तो देखें ये अल्लाह का दिया है अल्लाह की राह में खर्च कर देना चाहिए ये जान माल इज़्ज़त आबरू जो वक्त अल्लाह की राह में लग जाए ये सबसे गोल्डन गोल्डन मिनट है गोल्डन टाइम है इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दे एक कलमा शरीफ मैं पढ़ रही थी उसमें आया था कि आपके काम ना आपकी बहन भाई आएंगे ना बाप तो आएंगे ना औलाद आएंगे आपके काम आएगा आपका हाथ का दिया हुआ है अब आपके पास टाइम है तो अल्लाह ताला के दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च करे और अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल फरमाए अल्लाह ताला आपकी दुनिया आखरत में इज्जतें बरकरार रखे आसानियां फरमाए कामयाबियां दे अल्लाह ताला इज्जत वाली जिंदगी और इज्जत वाली मौत अता फरमाए अल्लाह ताला कामयाबी वाली जिंदगी और कामयाबी वाली मौत अता फरमाए अल्लाह शहादत वाली जिंदगी और शहादत वाली मौत मोता फरमाए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं सारा साल पैसा पैसा इकट्ठा करके वो अपनी गिरोलियों में पैसा भरते हैं और जब उनसे कहा गया और उन्होंने देखा टी वी पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक आफत मुसीबत आई हुई है तो आप यकीन नहीं करते किसी के डिब्बे से पांच हजार निकला किसी के साथ निकला किसी के दस निकला किसी के बारह निकला जो छोटे छोटे बच्चों ने सारे पैसे निकाल के दे दिए कि ये उन लोगों को ए, ए, दे दो जो जरूरतमंद हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग